वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेड रेस्टोरेंट। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं टीवीएस फायर 125 जो इंडियन मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। बात की जाए इसका ओवरऑल डिज़ाइन का तो डिज़ाइन हमको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। 125 सीसी सेगमेंट में हर एक इंडियन कंपनी अपना 125 सीसी सेगमेंट का बाइक लॉन्च करती है, जिसमें भी अब टीवीएस राइडर के पास वही ऑप्शन था वो भी अब इस इंडियन मार्केट में 125 सीसी काफ़ी बेहतरीन अपना क्रेजिंग बनाए रखा, काफ़ी अच्छा सेल सर्विस सेल हुआ टीवीएस राइडर 125। तब टीवीएस फायर हमको देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में जल्दी, उसकी थोड़ी कमी को दूर करने के लिए टीवीएस फाइनली टीवीएस फायर 125 इंडियन मार्केट में लाने मिले। ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, काफ़ी मस्कुर हमको देखने को मिलता है ओवरऑल इसका डिज़ाइन। बात की जाए इसका फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम का, ब्रेकिंग सिस्टम को दो चैनल एक भी देखने को मिल सके, सिंगल चैनल एक गियर हो सकता है। और इसमें फ्रंट में हमको DRL लाइट के साथ LED देखने को मिलता है और इंडिकेटर हमको LED में देखने को मिलता है, सुपर क्लच हमको देखने को इसमें मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन है हमको इसमें स्मूथ इंजन रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। और ये E20 एथेनॉल 20% एथेनॉल और 80% फ्यूल यूज़ कर पाएंगे TVS 125 फायर। इसमें हम बात की जाए इसका इंजन का, तो इंजन हमको सेम TVS राइडर 125 से ही हमको देखने को मिलेगा TVS फायर 125 में, तो काफ़ी बेहतरीन है हमको। और इसमें बात की जाए इसका सीटिंग पोस्चर, तो काफ़ी बेहतरीन हमको सीटिंग पोस्चर देखने को मिलता है, तो पिलियन और राइडर काफ़ी कम्फर्टेबल कराने वाली है। अब बात की जाए इसका मीटर कंसोल, तो मीटर कंसोल हमको फुल्ली TFT मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें हमको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी देखने को मिलता है, 10x10 नेविगेशन हर एक फीचर हमको देखने को मिलता है, गियर पोजीशन RPM लिमिटर हमको ऑल देखने को मिलता है। आपके इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। ऐसे वीडियो चैनल सब्सक्राइब।